नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिविल इंजीनियर दीपक कुमार। आप देख रहे हैं होम प्लान। दोस्तों, आज हम लोग एक प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका 3D व्यू आज आपके सामने में आपके स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं इसके चारों तरफ का ये है, और इसका जो कलर आपको मिल जाएगा, कलर में जो रेंडर किए हमने इमेज को, जो कुछ इस तरह का रहेगा, जो फाइनल रेंडर रहेगा आपका। चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, इसके प्लान के बारे में। ये रहा आपका ग्राउंड लेवल का प्लान, आपका जिसको आप ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं, और जो कि क्लाइंट द्वारा जो बनवाया गया है वो 20 बाय 25 स्क्वायर फीट में यह डिजाइन करवाया गया है, जिसमें क्लाइंट को चाहिए 2 बेडरूम चाहिए था, एक ड्राइंग हॉल चाहिए था, एक टॉयलेट और बाथ सेपरेट करके, और साथ में स्टेयर इन साइड चाहिए, जिसको राउंड में चाहिए था, राउंड राउंड में स्टेयर चाहिए था। चलिए इसके बाद हम बारीकी से एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ से आपको मिल जाएगा मेन डोर, एंट्री गेट आपका मिल जाएगा रूम के लिए। यहाँ जैसे ही जाइएगा आप ड्राइंग हॉल में एंट्री कीजिएगा, इसके साथ में देख लीजिए आपको यहाँ टॉयलेट मिलेगा लेफ्ट साइड में और राइट साइड में बाथ। ड्राइंग हॉल का जो साइज है वो 13.5 फीट बाय 10 फीट है, और साथ में ये जो आपका राउंड में आपका स्टेयर है, राउंड स्टेयर केस जो है, इसका जो 3 फीट वाइड आपको इसका स्टेप्स मिल जाएगा स्टेयर का, जिसको हम लोग ट्रेड्स बोलते हैं, और राइजर जो मिल जाएगा, राइजर आपका 7 इंचेस का मिल जाएगा। राइजर होता है इसका, जो आप वर्टिकल में देखते हैं वो इसका राइजर होता है। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं। यहाँ पे टॉयलेट की साइज दी है 3.5 फीट बाय 4 फीट राउंड फिगर में आप बोल सकते हैं, और बाथ का जो है 4 बाय 4 फीट 8 इंच, ये बाथ का साइज होगा, जो कि ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और साथ में जैसे ही आप जाइएगा 2 बेडरूम मिलेगा, एक बेडरूम का जो साइज है वो देख लीजिए 9 फीट 11.5 इंच बाय 10 फीट, और दूसरा बेडरूम का जो साइज है 8 फीट 2 इंच बाय 10 फीट। आप चाहे तो इसे लगभग लगभग 9.5 बाय 9.5 रख सकते हैं। इसे आप चाहे तो बीच में अगर वॉल को दे दीजिएगा तो दोनों तरफ बराबर बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कतें नहीं होगी यहाँ पर है। और चलिए इसके बारे में हम इसका डोर और विंडो को डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो विंडो है थोड़ा बड़ा बड़ा है, आपको 5 फीट वाइड मिल जाएगा और 4 फीट इसका हाइट मिल जाएगा विंडो का। जो भी विंडो है सारा विंडो का वही सेम है, और जो इसका जो डोर देख रहे हैं, ये जो बेडरूम का डोर है वो 3.5 फीट वाइड मिल जाएगा, 3.5 फीट बाय 7 फीट, और जो बाथ प्लस टॉयलेट का वो 3 फीट वाइड मिलेगा, 3 फीट बाय 7 फीट आपको मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं इसका। चलिए हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट फ्लोर में थोड़ा सा हमने चेंजेस किया है, जो यहाँ पर देखिए आप जैसे स्टेयर केस के थ्रू ऊपर जाइएगा, यहाँ पर 2 बेडरूम दिए हमने, बेडरूम यहाँ, एक बेडरूम यहाँ पर, एक बेडरूम यहाँ पर, दोनों के साथ अटैच बाथ प्लस WC है। एक बेडरूम का साइज देख लीजिए 11 फीट बाय 10 फीट है, दूसरी बेडरूम की साइज जो है 14 फीट 2 इंच बाय 10 फीट है, और जिसका बाथ और WC का जो अटैच का जो साइज है वो 3 फीट 11 इंच बाय 10 फीट है, और दूसरे का जो 3 फीट 9 इंच बाय 10 फीट है। साथ में आपको सीट आउट मिल जाएगा, सीट आउट जो है लगभग 9 फीट 9.5 इंच बाय 6 फीट 3 इंच मिल जाएगा। इसका आप लोग 3D में आके देख लेते हैं, 3D में कुछ इस प्रकार का दिखेगा। जो सीट आउट है ये इसका सीट आउट हुआ, जहाँ पर आप देख सकते हैं, और बाकी ये रहा इसका आप कलर देख लीजिए, यहाँ पे आपको कलर मिल जाएगा, और साथ में जो है आप यहाँ पे भी आप देख लीजिए, इसका वीडियो थोड़ा सा प्ले करके दिखा देते हैं, कुछ इस तरह का लाजवाब आपको वॉक थ्रू मिल जाएगा एनिमेशन में, आप देख लीजिए आपके स्क्रीन पर ही है। यहाँ पे कुछ चारों तरफ से कुछ इस तरह का डिजाइन मिल जाएगा, और सामने में देख लीजिए यहाँ पे आपको सीट आउट मिल जाएगा इसके ऊपर में। कैसा लगा ये या वीडियो आप हमें जो बनाया, अगर इस तरह का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क करें, तो कॉन्टैक्ट डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये देख लीजिए यहाँ पर आपका ड्रॉइंग हॉल मिल जाएगा, ये पूरी वीडियो नहीं है, पूरी वीडियो देखने के लिए आपको लिंक दे दूंगा, जो दूसरे चैनल पर मैंने अपलोड किया हूँ वहाँ से आप देख सकते हो यही वीडियो। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आप चाहे बेसिन लगा लीजिए, आपका ड्रॉइंग में भी मैं मेंशन कर दूंगा, इस तरह का राउंड स्टेयर केस मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे जो मैंने जो है बोला था, लेफ्ट साइड में आपका बात है, यहाँ पर आपका बात मिल जाएगा। चलिए ये वीडियो जो है पूरा नहीं है, पूरा वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आपको दूसरे चैनल पर, इसका डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा, हेल्पिंग कैट नाम का चैनल है, वहां पर आप भी जाके देख सकते हैं कई वीडियो। चलिए इसके फिर हम प्लान में आते हैं, इसका प्लान जो हम लोग ग्राउंड फ्लोर में देख लेते हैं। यहाँ पे आपका जो है राउंड फिगर में यहीं पे आपका बेसिन भी लग जाएगा। ओवरऑल ये वीडियो रहा, आपको इस तरह का प्लान बनवाना हो हाउस का, 2D 3D और वॉक थ्रू आपको बनवाना है, तो आप उनसे जरूर संपर्क करें, कॉन्टैक्ट डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यह प्लान कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।